हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं 11 इंटू 11 कितना होता है? ऑफ कोर्स 121, यू नो इट। मगर क्या आप जानते हैं अगर हम 6 टाइम 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम 1 से कराएं तो क्या आएगा? क्या आपको पता है? नहीं तो इसी बात को जानने के लिए आज हम इस वीडियो को शूट करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस केवल एक खास पैटर्न का ध्यान देना है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको पता है 1 × 1 कितना होता है? ऑफ कोर्स 1। क्या आप ये भी जानते हैं 11 × 11 कितना होता है? 121। मगर क्या आप 111 × 111 का आंसर बता सकते हैं? नहीं तो देखिए आप जो अभी कितनी आसानी से जो है बाकी के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें बताएंगे। क्या करना है जब भी आपको जो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, मतलब 1 की सीरीज का ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, ठीक है? तो क्या करना है बताइए। यहाँ पे 111 था, 111 का मल्टीप्लिकेशन 111 में करना था, तो कुछ नहीं करना मुझे आंसर लिखने के लिए, जस्ट यही करना है मुझे। यहाँ पे 111 है ना, तो मुझे 1, 2, 3 अर्थात 1 से लेके 3 तक संख्या लिख देनी है बढ़ते क्रम में। अभी आगे 41 × 41 का होगा ऐसे तरीके से, फिर 5th का 5th 1 में होगा, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको ये नंबर्स बढ़ते क्रम में लिख देना है। जितने 1 होंगे 1 में उतना लिख देना। 3 के बाद आपको क्या करना है, बस केवल घटते हुए क्रम में लिख देना है। कहां तक? 1 तक। देखिए 3, 2, 1, तो यहां से मैंने घटते हुए लिख दिया कि नहीं। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 बार 1 लिखा है, उसका मल्टीप्लाई 4 बार 1 लिखे हुए में कराना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आपको 1, 2, 3, 4 लिख दिया, क्योंकि यहाँ 4 बार 1 था, तो ये 4 तक गिनती लिख दी हमने। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? घटते हुए लिख देंगे। कहां तक? 1 तक। 4 से घटाओ 3, 2, 1 आ जाएगा कि नहीं? यही सिंपल। इसी तरीके से अगर जो है आपको कहा जाए 5 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार 1 में कराना है, तो आपको क्या आंसर आएगा आप मुझे बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1। देखिए 5 तक मैंने बढ़ते हुए लिख दिया, उसके बाद फिर घटते हुए 1 तक गए हैं। सिंपल है ना ये? तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने दोस्तों को ये बता के सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हैरान कर सकते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं 61 का मल्टीप्लिकेशन 61 में कराना है तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 तक ऐसे लिख लेंगे, फिर घटते हुए लिख देंगे कहां तक? 1 तक। तो 5, 4, 3, 2, 1 खत्म हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। 61 जो है यहाँ पे और 61 यहाँ पे था, इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपके पास जो है 7, 1 हो, 7 बार 1 लिखा हो और 7 बार 1 इधर भी लिखा हो, तो 7 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 7 बार 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा? संख्या लिखो कहां तक? 7 तक। 7 तक लिखने के बाद फिर क्या कर देंगे? घटते हुए क्रम में लिख देंगे, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। 7 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 बार 1 में आ जाएगा यही। सेम टू सेम अगर आप 8 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 बार 1 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? आपको कहां तक लिखना पड़ेगा ये संख्या बढ़ते हुए? 8 तक, और उसके बाद घटते हुए कहां तक? 1 तक। तो ये हो गया 8 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 बार 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर हम 9 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 बार 1 में कराएं तो क्या आएगा? ओके, ये जो हमारा पैटर्न बना है आप जरा पैटर्न गौर से देखिए, कितना अमेजिंग पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पे क्या था? 2, और 2 के दोनों तरफ क्या है? 1, और यहाँ बीच में क्या है? 3, और इसके आगे पीछे देखिए क्या है? 1, 2, 2, 1। इसी तरीके से इसमें बीच में 4 है, और इधर देखिए दोनों साइड उससे 1-1 कम करके लिखे पड़े हैं। 5 है 1-1 कम करके, 6 है 1-1 कम, 7, 8, ठीक।
और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो हमने सीरीज तैयार की है ये केवल 9 बार 1 के मल्टीप्लिकेशन तक ही सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप हमारी 1 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।